बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हमने डीएससीपी सर्वर बना लिया है और डीएससीपी सर्वर के थ्रू क्लाइंट्स को आईपी जो है असाइन हो रही हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जी जितने भी आईपी हमने असाइन किए हैं डीएससीपी सर्वर ने, उसके जो लॉग्स हैं वो हम कहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सर्वर को जब एक्सेस कर लेते हैं तो हमारे पास जो पाथ बनती है वो ये है vl/var/lib/dhcp/dhcp/leases। इसको जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा डीज, ये मुख्तलिफ क्लाइंट्स के हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट आपके पास आ जाएगी। जितने भी आईपी क्लाइंट्स जो हैं वो आपके पास रजिस्टर हैं, उसका सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी। यहाँ पे देखें डिफरेंस कि हार्डवेयर, ये आईपी हमारे पास है 192.168.0.173। यहाँ पे हार्डवेयर इथरनेट जो है मैक एड्रेस इसका डिफर है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और 154 का आप देखें तो यहाँ पे इसका जो मैक एड्रेस है वो आपके पास है डिफर। एक और बात यहाँ पे आप देखें कि जो 173 जो आईपी है, ये एक मेमोरी तौर पर इंटरव्यू है, और ये जो आपके पास जो आईपी है ये आपके पास डीएससीपी के थ्रू जो है उस क्लाइंट को असाइन हुई है, जिसमें आपके पास यूजर आईडी का भी, आपके पास यूआईडी, यूजर आईडी भी आपके पास इसमें मौजूद है। तो इस तरीके से हम आईपी को चेक कर सकते हैं जो कि डीएससीपी ने लीज की होती हैं, डीएससीपी सर्वर ने क्लाइंट को लीज पे दी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।